बार आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। पिछले चुनाव में चंद्रबाबू की तेलुगु देशम जगन मोहन रेड्डी की युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस यानी YSR कांग्रेस के बीच जीत के मत प्रतिशत का आंकड़ा बेहद करीब करीब का था। इस बार भी यही ट्रेंड अब तक दिख रहा है, तो इस बार के चुनाव में पवन कल्याण और उनकी पार्टी जनसेना किंग मेकर की भूमिका में अवतरित हो सकते हैं। जनसेना 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है, साथ ही यह भी दावा कर रही है कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पवन कल्याण ही होंगे। पर सूत्रों की माने तो पवन कल्याण चंद्रबाबू के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि पवन को राजनीति में लाने वाले नायडू ही हैं। आंध्र की जातिगत सियासत को मद्देनजर रखते हुए चंद्रबाबू ने कापू जाति को वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कल्याण को आगे किया था, क्योंकि चंद्रबाबू स्वयं कम्मा जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी जनसंख्या राज्य में कापू से कम है। वहीं जगन मोहन रेड्डी का प्रदेश के दलितों में अच्छा असर है और प्रदेश के अधिसंख्यक दलित धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं, इससे भी जगन की पार्टी पर इसका अच्छा असर पड़ा है। वैसे भी पवन कल्याण अपनी चुनावी सभाओं में चंद्रबाबू पर सीधा हमला करने से बचते रहे हैं। उन्होंने अपनी ज्यादातर चुनावी रैलियों में YSR और कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला है, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि उनके तार कहीं ना कहीं नायडू से सीधे जुड़े हैं। वहीं आंध्र में पत्रकारों के एक वर्ग का यह मानना है कि जो पद यात्रा करता है यहाँ CM भी वही बनता है। पहले ANT रामाराव ने यह ट्रेंड शुरू किया, फिर वे CM बने, फिर राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू भी इन पदचिन्हों पर चले और CM की कुर्सी तक पहुंचे। इस चुनाव में जगन ने 3,648 किलोमीटर की पद यात्रा की है, तो जगन समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार जगन मोहन ही आंध्र के अगले CM बनेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।